नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छेलाल भगत अपने YouTube चैनल अनुराग कॉमन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आप सब वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, हमारे बिहार सरकार ने एक बहुत ही अच्छी खबर अपडेट की है जो कि हमारा राशन कार्ड जो है अब डिजिटल हो चुका है। आप अपने मोबाइल में अपना राशन कार्ड को डाउनलोड करके रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में अब ज़्यादातर काम डिजिटल हो चुका है, तो हमारे बिहार सरकार ने भी अपना राशन कार्ड जो है वो डिजिटल कर दिया है। तो चलिए, हम अपने मोबाइल में अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करके रख सकते हैं देखते हैं। तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आना है और अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है डीजी लॉकर। ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। अगर पहले से आप इंस्टॉल करके रखे हैं तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। चलिए, हमने इसको इंस्टॉल करके रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपको शो होगा। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे साइन इन और क्रिएट अकाउंट शो हो रहा है। तो आप पहले से इस डिजी लॉकर में आप अपना आईडी बना चुके हैं तो साइन इन कर लीजिएगा, और अभी पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना फुल नाम टाइप कीजिएगा जो आपके आधार कार्ड में लिखा होगा। फिर उसके बाद आप अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिएगा। फिर मेल, फीमेल या अदर जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कीजिएगा। फिर 6 अंक का आप सेक्रेटरी पिन यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा। दोस्तों, ये आपको लॉगिन करने में आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वो आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप आईडी बना सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको साइन इन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, हम इसमें अपना पहले से आईडी बना चुके हैं तो यहाँ पे हम लॉगिन करके आपको उसके आगे दिखा रहे हैं। दोस्तों, साइन इन करने में देखिए, आप दो तरह से यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, एक मोबाइल नंबर आधार नंबर और दूसरा यूजर नेम से। तो दोस्तों, हम मोबाइल नंबर से ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो चलिए, हम लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अपना सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप यहाँ साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जिस मोबाइल नंबर से आपने इसमें अपना बनाया है उस पर आपको एक OTP जाएगा, तो उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए, हम OTP यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं। OTP फिलअप करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों, हमारा OTP गलत बता रहा है। देखिए दोस्तों, OTP डालने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार ओपन होगा। तो आप यहां से अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, पैन कार्ड भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप इसमें डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो चलिए, यहां नीचे पे आपको सर्च बार दिख रहा है ब्राउज़र, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर सर्च बार में आपको टाइप करना है राशन। ये
राशन कार्ड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फूड एंड कंज्यूमर छत्तीसगढ़, फूड सिविल सप्लायर्स, फूड एंड सप्लायर्स डिपार्टमेंट ऑफ फूड, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, फिर उसके बाद फूड सिविल, सिविल सप्लायर्स। तो इन सबों में छोड़कर आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, फूड एंड कंज्यूमर पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर उसके बाद देखिए आपका नाम शो करेगा, फिर उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। तो दोस्तों ये राशन कार्ड नंबर कहाँ से मिलेगा चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। फिर आपको अपने ब्राउज़र में आना है, ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ई पी डी एस बिहार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बिहार राशन कार्ड ये आपको शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो यहाँ हम सिवान सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद शो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए रूलर है, अर्बन है, तो आप रूलर से आते हैं तो रूलर सेलेक्ट कीजिएगा, अर्बन से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए हम रूलर पर क्लिक कर दिए। फिर उसके बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा, चलिए हम अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा, पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आप जिस गांव से विलेज से आते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे सबका नाम और राशन कार्ड नंबर शो करेगा, ये किस तरह से आप निकाल सकते हैं चलिए दूसरा हम दिखा दे रहे हैं आपको। फिर प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है मेरा राशन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद इस पर ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार सेंडिंग का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ राशन कार्ड नंबर से आप अपना देख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर से आप अपना राशन कार्ड नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर आपको राशन कार्ड नंबर शो हो रहा है, ये नंबर आप कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देना है, मिनिमाइज करने के बाद फिर आप डिजी लॉकर को ओपन कीजिए। सॉरी दोस्तों यहाँ से भी हम ले सकते हैं, चलिए छोड़िए यहीं से ले रहे हैं। फिर ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पर टाइप कीजिए राशन, राशन कार्ड पर क्लिक करना है, फूड एंड कंज्यूमर पर क्लिक करना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड नंबर टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना राशन कार्ड नंबर टाइप कर दे रहे हैं। दोस्तों आप अपना राशन कार्ड टाइप करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे नीचे राशन कार्ड लोड हो चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा राशन कार्ड
यहाँ पे हमारा राशन कार्ड लोड हो चुका है। तो दोस्तों ये जो डिजिटल राशन कार्ड है आप किसी भी डीलर के पास लेकर जाएंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा। पहले जो था हम लोग बुक लेकर जाते थे, लेकिन जो भारत सरकार बिहार सरकार ने अब हमारा जो राशन कार्ड डिजिटल राशन कार्ड कर दिया है वो आप अपने मोबाइल में लोड करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस आगे के लिए धन्यवाद।